Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का F23 है और आपको इस फोन की 3-बटन नेविगेशन हाइड करके इस फोन में जैसे नेविगेशन सेट करना है या फिर पहले से आपके इस फोन में जैसे नेविगेशन सेट है आप उनको हटा के लगाना चाहते हैं 3-बटन नेविगेशन को, तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कैसे सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक और अमेजिंग सेटिंग बताऊंगा जेस्चर की मदद से आप उसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आप यहां क्लिक करेंगे। इसके बाद सिस्टम नेविगेशन देखिएगा, यहां क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको जैसे नेविगेशन सेट करना है तो यहां जैसे पर क्लिक करेंगे एंड यहां पे कैंसिल पर क्लिक करेंगे। आपके बटन हाइड हो जाएंगे जैसे नेविगेशन सेट हो जाते हैं। पहले से जैसे सेट थे तो बटन क्लिक सेलेक्ट कीजिए, आपके बटन सेलेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए मैं सेटिंग के बारे में बता रहा था, फीचर के बारे में बता रहा था, उसके बारे में बता देता हूं आपको। इसके लिए आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। अब किसी भी एक ऐप्स के अंदर से आप दूसरे ऐप्स के अंदर स्विच हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए जानते हैं किस तरह से करेंगे। अभी जैसे कि हम सेटिंग में थे, सेटिंग से पहले आप जैसे कि हम प्ले स्टोर का यूज कर रहे थे, अब सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में जाने के लिए सिंपल इस तरह से क्लिक करना होगा हमें। तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं किसी एप्स के अंदर। तो जितने भी बैकग्राउंड में आपके एप्स काम कर रहे होंगे सिंपल इस तरह से क्लिक करते जाइए, आप स्विच होते जाएंगे। तो ये काफी अमेजिंग फीचर मिल जाता है जैसे कि मदद से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिंपल आप इस तरह स्विच करते जाइए आप स्विच कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको बैक बटन होते समय फोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए, आपका फोन वाइब्रेट भी होगा जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे। इनका यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करने पर बैक कर सकते हैं, यहाँ से भी बैक कर सकते हैं और होम बटन यहाँ आ जाता है। रीसेंट एप्स को यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा तो रीसेंट एप्स आपके कुछ तरह से ओपन हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो चला हुआ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।